दो तीन दिन पहले मैं हरिद्वार गई हुई थी और वहाँ से आई तो मेरे हस्बैंड ने इतने सारे छोले भिगो कर रख दिए थे। मेरे हस्बैंड कभी कुकिंग ही नहीं करते तो उन्हें कैसे पता होगा कितने सारे छोले भिगोने पड़ेंगे। एक पाव छोले भिगो कर रखने थे और पूरे 1 किलो छोले भिगो कर रख दिए। अब गर्मी है, गर्मी में तो खराब हो जाएंगे। आधे भिगे छोले से मैंने छोले की सब्जी बना ली। बच्चे पूरे दिन खाते रहे, छोले की सब्जी से मन भर गया। आधे छोले बच गए थे। अब मैंने सोचा कि इसका क्या बनाऊं, तभी बच्चे कहने लगे कि मम्मी इसका छोले चाट बना ले। बस इस रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले तो छोले को उबाल कर तैयार कर लिया, फिर मैंने पोटैटो काट लिए, पतले साइज के इसे फ्राई कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक का तड़का तैयार कर लिया, टोमेटो सॉस और शेजवान सॉस डाल ली। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल लिया, वैसे बॉईल करते हुए भी डाल लिया था लेकिन मुझे कम लगा। कटे हुए प्याज डाल लिए, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक और चाट मसाला भी डाल लिया। इसमें टमाटर नहीं डाले, आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं क्योंकि मेरे यहाँ तो टमाटर बहुत ही महंगे हो रहे हैं, 120 रुपए किलो, और चाट बना रहे हैं तो नींबू तो जरूरी है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी भुजिया भी डाल ली जिससे कि ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में लगे। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके यहाँ टमाटर कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, आप खरीद भी रहे हैं या फिर नहीं मेरी तरह, क्योंकि मैं तो नहीं खरीद रही। बस